और हाय दोस्तों, लोग कैसे हैं। यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप मैं यह सबसे पहले चाहूँगा कि बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और मैं आप लोगों के बताने जा रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर के क्या क्या कार्य होते हैं। विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायालिका, फिर ये सब हो गया। केंद्र राज्य दो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं। राज्यपाल, राज्यपाल हो गया, फिर मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, फिर कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री होते हैं। फिर न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, संसद, संसद के जो कार्य होते हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनता है।